भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर भाजपा चिंतित है। भाजपा की सरकार संगठन के माध्यम से लगातार कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान 2 शुरू किया है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सहायता करने के लिए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। जिसके तहत बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। 2-3 दिनों में यह केंद्र खुल जाएंगे। रणधीर शर्मा वीरवार को बिलासपुर के स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बस्सी, कोठीपुरा, स्वारघाट, जुखाला, नम्बलोह, नैना देवी व खारसी में खुलेंगे। यहां भाजपा कार्यकर्ता आसपास के क्षेत्र की पंचायतों के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं उनकी आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करने सहित पॉजिटिव मरीजों की सहायता करने का प्रयास भी किया जाएगा। उनके परिवार को भी जरूरत की चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। आने वाले 2-3 दिनों में यह सेवा केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिनके माध्यम से जनमानस की सेवा की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए भाजपा सरकार व संगठन द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर से चिंतित है और इस लहर से दुनिया को बचाने के लिए, आम जनमानस को बचाने के लिए हमारी सरकारें भी और संगठन भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार कोशिश कर रही है कि आम जनता के को बचाया जा सके, वहीं हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार भी इस दृष्टि से लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालयों पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि लोगों की जानें बचाई जा सकें। ऑक्सीजन का प्रबंध किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को जागृत करने का काम भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार का समाज को भी पूरा साथ देना चाहिए। सरकार और समाज मिलकर ही इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जो इकाइयां हैं उनको सेवा ही संगठन अभियान 2 शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सेवा कार्य करने हैं, जरूरतमंद की जरूरत करनी है। हमने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस दृष्टि से 7 सेवा केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री नैना देवी जी में, बस्सी में, स्वारघाट में, कोठीपुरा में, जुखाला में, नम्होल में और खारसी में 7 स्थानों पर हम सेवा केंद्र शुरू करेंगे, जहां हमारे कार्यकर्ता आसपास की पंचायतों की लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जहां जिसको जैसी भी ज़रूरत होगी उसकी आवश्यकता को, उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। इसी तरह से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए जो भी सहायता की जा सकती है वो करने का प्रयास करेंगे। उनके परिवारों को जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उसको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से आने वाले 2-3 दिनों में ये 7 सेवा केंद्र हमारे शुरू होंगे, जिसके माध्यम से हम जनमानस की सेवा करने में आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता जन जागरण अभियान भी छेड़ेंगे। पहले से भी हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है, लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देना और साथ में वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए व्यवस्था देना और साथ में जो कार्यक्रम है वो बड़ी संख्या में आयोजित ना हो। और अब तो जैसे कर्फ्यू लगाया है, धारा 144 लगाई है, तो लोगों को जागृत करना, 4-5 से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठे ना हो और इस तरह जहाँ इकट्ठे भी हैं वहाँ थोड़ा दूरी बनाकर खड़े हों। जो भी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उन सब की जानकारी देते हुए जन जागरण अभियान भी भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी। और हमारा प्रयास है कि हम सरकार का पूरा सहयोग करते हुए इस महामारी से जनता को बचाएं। हमारी अपील यही है समस्त जनता से कि जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उनका पालन करें और इस महामारी से खुद भी बचें, जनता को भी बचें।